हेलो फ्रेंड्स, संध्या के कुकिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाते हैं मैंगो कैंडी। इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है, आप सिर्फ 5 या 10 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक पका हुआ आम। आज हम पके हुए आम की कैंडी बनाएंगे। इसको हम पहले कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। हमने इसे कट करके सब्जी जैसे छोटे छोटे कटिंग करेंगे, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं वो थोड़ी कट हो जाएं। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसे छन्नी से छान भी सकते हैं, लेकिन हमने ना ही ग्राइंड किया है ना ही छाना है, क्योंकि इसके रेशे जो है वो बिल्कुल कट चुके हैं। ऐसे ही आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनेगा ऐसे भी। इसके सारे गुद्दे को हम निकाल लेंगे। किसी चम्मच से या चाकू से ही इसे आप निकाल लीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह से हम सारे आम के पहले हम गुद्दे को निकाल लेंगे। अब हम लेंगे इसमें चीनी। इसमें आप ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहें तो एक दो चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। हमने एक आम लिया है, उसमें 3 चम्मच चीनी लिया है, और इसको अब रखेंगे हम गैस पे। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसको चलाते हुए पकाएं। इसको किसी चम्मच से या फलछुले से मैक्स कर दें, ताकि जो आम की गुठली टाइप है वो अच्छे से मैक्स हो जाए। वैसे भी पकने तक ये मैक्स हो जाता है अपने से भी, लेकिन आप इसे चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएं, ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो है अच्छे से पेस्ट टाइप बन जाए। देखिए, ऐसे ही हम पकाएंगे इसको करीब 3 से 4 मिनट तक। आप इसमें फ्लेवर के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, या तो आप चटपटा इसे बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आप काला नमक ज़रूर डाल लें अगर आपको तीखा मीठा स्वाद चटपटा पसंद हो तो। देखिए, इसे चलाते हुए हम फिर से 4 से 5 मिनट पका लेंगे। और इसे पकने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप कैसे चेक करें कि ये पका है कि नहीं, आपकी कैंडी बनेगी कि नहीं। इसे चेक करने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। देखिए, इसे पक जाने के बाद अब हम लेंगे एक कटोरी में पानी, ऐसे ही ठंडा नॉर्मल पानी ले लें आप, और इसमें से थोड़ा सा 2-3 बूंद के करीब पानी में इसे डालें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कैंडी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी कि नहीं, पकी है कि नहीं। देखिए, पानी में डालते ही आप इसको उठाएंगे, अगर आपकी कैंडी बन गई होगी तो ये बिल्कुल भी थोड़ा भी चिपचिपा नहीं रहेगा। ये जैसे जैली वाली टॉफ़ी बनती है, सिर्फ वैसे ही ये बन जाएगी और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देखिए, आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल हमारी कैंडी जो है परफेक्ट बन चुकी है। अब इसे हम गैस से उतार सकते हैं, और इसको आप किसी मोल्ड में या तो किसी भी चीज़ में इसको आप बना सकते हैं। हमने ना ही मोल्ड लिया है ना ही कोई सांचा है, इसलिए हमने एक प्लेट को अच्छे से पहले ग्रीस कर लेंगे, उसके ऊपर इसको कढ़ाई से हम ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहे तो आपके पास कोई मोल्ड हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, जैसा टॉफ़ी का शेप बनाना चाहें कैंडी का वैसा बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर मोल्ड नहीं है तो हम ऐसे भी बना लेंगे। देखिए, प्लेट पर हम पहले थोड़ा सा फैला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट ठंडा होने देंगे। 2-3 मिनट ठंडा हो जाने के बाद फिर हम चम्मच से इसको प्लेट से निकालेंगे। ये हल्का हल्का चिपक रहा है, हाथों पे थोड़ा सा तेल या घी लगाकर इसको हम, अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है ये, हाथों पे लेने लायक नहीं है, फिर भी हम इसे तेल लगा के हल्का हल्का इसको सभी को इकट्ठा करेंगे। अगर ये सूख जाएगा तो ये ना ही बन पाएगा और ना ही इकट्ठा हो पाएगा, इसलिए हम इसे गरम गरम ही इसका रोल बनाएंगे। जैसे हाथों से थोड़ा थोड़ा मसल कर हम इसका रोल बना लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी थाली पे फैलाकर उसको गरम ही कटिंग करके वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने इसका रोल बना लिया है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, हाथों पे ऐसे ही गरम गरम आप इसका पहले रोल बना लीजिए। आपके जितना आपसे
पतला बने उतना आप बना सकते हैं, और जिस शेप में भी बनाना चाहें उस शेप में इसे बना सकते हैं। देखिए इसे बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा ये ठंडा हो रहा है तो सूख रहा है और फट भी रहा है, इसलिए इसको चिपकाते हुए हमने बना लिया है। अब इसको हम एक चाकू लेंगे, उससे हम पतले पतले शेप में कट करेंगे। आप अपने हिसाब से जितना मोटा पतला रखना चाहें रख सकते हैं, या तो आप इसी टाइम हाथों पे लेके इसे गोल गोल गोलियों टाइप भी बना सकते हैं, आपको जैसा शेप पसंद हो वैसा बना सकते हैं। देखिए ये इजीली अभी भी हाथों पे आराम से जैसा भी शेप देना चाहेंगी वैसा बन जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे को बना लिया है, कुछ हमने गोल बनाया है, कुछ हमने वैसे ही कटिंग करके छोड़ दिया है। देखिए आप इसके आवाज़ को भी सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है, ना ही गीला है और ना ही चिपचिपा है, बहुत ही परफेक्ट हमारी कैंडी बनके तैयार हो गई है। आप इसी तरह से बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर जाकर विजिट करना, आपको और भी रेसिपी पसंद आएगी।